हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 का सेकंड नंबर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमको यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया गया है उसमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले फॉर्म करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकल मेथड से। तो यहाँ पर सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 pencil और 7 pen का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो ₹50 है। वेयर एज 7 pencils and 5 pens टुगेदर कॉस्ट ₹46, जबकि 7 pencil और 5 pen का जो कॉस्ट है वो ₹46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and that of 1 pen। तो हमको क्या करना है, 1 pencil और 1 pen का कॉस्ट बताना है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil be ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 pen be ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 1 pencil का जो कॉस्ट है ₹x है, तो 5 pencil का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5x प्लस 1 pen का जो कॉस्ट है वो ₹y है, तो 7 pen का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7y। दोनों का मिला करके कितना दिया हुआ है, ₹50 दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया यहाँ से। दोबारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 pencil, तो 1 pencil का कॉस्ट ₹x, तो 7 pencil का कितना हो जाएगा, 7x प्लस 5 pen, तो 1 pen का कॉस्ट अगर ₹y, तो 5 pen का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5y। दोनों का मिला करके कितना दिया हुआ है, 46, तो ये 46 हो गया। ये हमको क्या मिल गया, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 1 pencil और 1 pen का कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का दो दो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा हमको पहले। तो पहला इक्वेशन अपना क्या है, पहला इक्वेशन है 5x + 7y = 50। तो ये 5x + 7y = 50, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दो दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम। ये हो गया x, ये हो गया y। तो पहले हम क्या करेंगे, y = 0 रख लेते, तो ये हो जाएगा 5x + 7 × 0 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 0 = 50। तो ये हो जाएगा 5x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 50/5। 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5, 5 0 क्या हो जाएगा, x = 10। तो y 0 रखे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 10। उसी तरीके से अब क्या रख दिए, x = 3 रख दिए, तो ये हो जाएगा 5 × 3 + 7y = 50। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7y = 50। 5 × 3 = 15 प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो y = कितना आ जाएगा, 35/7। 7 × 7 = 7, 5 × 35। तो जब हम x = 3 रखे तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 5। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन का दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। दूसरा वाला इक्वेशन कितना है, 7x + 5y = 46। दूसरा वाला है 7x + 5y = 46। तो ये x हो गया, ये y हो गया। हम यहाँ पर पहले क्या ले लेते हैं, x = -2। तो ये हो जाएगा 7 × -2 + 5y = 46। तो 5y = कितना हो जाएगा, 46। 7 × 2 = 14, माइनस आएगा इधर, = उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, +14। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 × 4 = 10, कैरी किया 1, 1 × 1 = 2, 4 × 2 = 6, डिवाइड बाय 5। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो x = जब -2 रखे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 12। अब x = क्या रखते हैं, 3। तो x = जब 3 रखेंगे तो 7 × 3 + 5y
इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 46, 7 3 21 इक्वल टू के उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 में 1 गया क्या आ गया 5, 4 में 2 गया 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो x का वैल्यू क्या रखे 3, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 5। अब यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये अपना क्या हो गया x, और ये क्या हो गया x डैश, ये क्या हो गया y, और ये वाला क्या हो जाएगा y डैश। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 10 3 माइनस 2 3, हाईएस्ट 10 है तो हम 2 2 करके ले लेते हैं, ये क्या हो गया 2 4 6 8 10, इधर कितना हो जाएगा माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8, इधर भी डॉट डॉट दिखा देंगे, फिर कितना हो जाएगा ये अपना 2 4 6 8 10 12 14, ये अपना हो जाएगा माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 10। तो क्या पहला पॉइंट क्या आया अपना 10 0, x का 10 y का 0, तो ये अपना हो जाएगा ए नंबर क्या हो जाएगा 10 0। फिर क्या है 3 5, x का 3, तो 2 और 4 के बीच में आएगा 3, x का 3 y का 5, तो यहाँ पर आएगा ये, B 3 5। अब इन दोनों पॉइंट से हम क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमको पहला इक्वेशन क्या मिल गया, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50s, ये किस इक्वेशन का लाइन था 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 का। फिर दूसरा हमारा पॉइंट क्या आया माइनस 2 12, x का माइनस 2 y का 12, ये हो जाएगा c माइनस 2 12। फिर d अपना क्या आया, d पॉइंट क्या आ जाएगा 3 5, यानी यही वाला। अब इन दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये किस इक्वेशन का लाइन है, ये है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही अपना क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन। तो हमको यहां पर x इक्वल टू क्या आ रहा है 3, और y इक्वल टू क्या आया 5, जो कि हमको पहले ही इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकाल रहे थे तो मिल गया था। तो हम यहां से क्या लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितना हो गया 3, और कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो एक पेंसिल का जो कॉस्ट निकला यहाँ से क्या निकला 3 रुपया, और एक पेन का जो कॉस्ट निकला वो कितना निकला 2 रुपया। तो अपना ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर